शुरू शुरू में लोगों ने मुझे पागल कहा, सर्कस मैन कहा, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और आगे बढ़ता गया। दोस्तों ये कहना था बेकी कार्स बनाने वाले सुधाकर कन्हैया बोनिया का, जिसने दोस्तों हर वो चीज जिसे हम डेली यूज करते हैं उसको चलने वाली चीजों में बदल दिया या फिर बेकी कार्स बना दिया। सुधाकर की पहली बेकी कार्स एक जूता थी, फिर कैमरा और अब कंप्यूटर, टॉयलेट बॉल्स, बर्गर, पर्स और हर वो चीज है जिसे हम डेली यूज करते हैं। पर दोस्तों सबसे इंप्रेसिव चीज या सबसे बड़ा ट्राइसाइकिल था। सुधाकर का अब हैदराबाद में बेकी कार्स म्यूजियम है जिसका नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो चुका है। और इस वंडरफुल काम और म्यूजियम को बनाने के लिए सुधाकर का साथ दिया है इसकी बेटी ने। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलना, मेरे साथ इस दुनिया को नए अंदाज से देखने के लिए।